हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे। आपने अभी रिसेंटली बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, जिसके अंदर आपको अप डाउन लगाना है और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इजीली तरीके से आप अच्छे से कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, उसके ऊपर ही पूरा वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बिल्कुल करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, जितनी भी ये कंपनियां हैं, ये इंडिया में किस तरीके से स्कैम कर रही है, किस तरीके से इंडिया के लोगों को मूर्ख बना रही है। हम सब लोग सोचते हैं जल्दी पैसा कमाने के तरीके क्या क्या है, हम ऑनलाइन भी सर्च करते हैं तो सर्च करते हैं, हमारे सबसे ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं इन्हीं कंपनियों के। यही कंपनी अपनी अपनी एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, और ये जितनी भी कंपनियां हैं कोई भी इंडिया की नहीं है, सारी कंपनियां बाहर की है। और ये क्या कर रही है, आपको उसके अंदर लालच देती है। स्टार्टिंग में आपको जब भी आप उसके अंदर लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको एक डेमो कैश मिल जाता है, जहाँ से आप खेल सकते हो, ट्राई कर सकते हो किस तरीके से खेलते हैं। तब जब आप वो खेलोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत अर्निंग दिखेगी, आप सोचोगे वहाँ पे अर्निंग हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर रियल कैश डाल देते हैं या रियल कैश उसके अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे उस एप्लीकेशन के अंदर हारते चले जाओगे। आपने अगर $100 भी लगाए हैं, 7-8 हज़ार रुपये लगा दिए उस एप्लीकेशन के अंदर, इस उम्मीद से कि हम जल्दी पैसा कमा लेंगे इस तरीके से, लेकिन ऐसे के अंदर क्या होगा, आपकी जो 7-8 हज़ार रुपये हैं, जो आपकी मेहनत की कमाई है, वो भी सारी इसके अंदर चली जाएगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और इनके ऊपर इंडिया से कोई केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन एप्लीकेशन है नहीं। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर गेमलिंग बैन है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये ट्रेडिंग के पर्पस से आई हुई है कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग करवा रहे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी इसके बारे में कि ये चीज़ किस तरीके से हो रही है, इसके अंदर किस किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, और आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे लोगों का क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्टिंग में डेमो से खेला, डेमो से वो जीतने लगे तो उन्होंने रियल कैश लगा दिया उसके अंदर, जो भी उनकी मेहनत की कमाई थी वो उन्होंने लगा दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जितना भी उन्होंने डिपॉजिट किया वो डिपॉजिट अमाउंट ही वापस नहीं विड्रॉ करवा पाए। और जैसे ही अगर वो जीत जाते हैं, बहुत केस में ऐसा होता है कि आप जीत भी गए, आपने 10 हज़ार रुपये लगाए, आपके पैसे हो गए 15 हज़ार रुपये। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप विड्रॉ कराने जाते हो तो आपको वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जितना भी सिस्टम है या जो भी सिस्टम है वो सारा उनके पास है, उसका एडमिनिस्टर उनके खुद के पास है, तो वो जब चाहे जो चाहे उस पर्सन को वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ही उस एप्लीकेशन से हटा सकते हैं। और इसके अंदर आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपके पास कोई लीगली प्रूफ ही नहीं है ना कि आप उनके ऊपर किस तरीके से केस कर सकते हो, क्योंकि ये इंडियन है नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगली बता नहीं रखा है। बस प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आप देखोगे तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनको देख के भी हमारे को हंसी आती है। जैसे आप 2 महीने के अंदर साइकिल नहीं खरीद सकते अपनी किसी जॉब से, लेकिन अगर आप उन एप्लीकेशन पे ट्रेड करोगे तो आप 2 महीने के अंदर एक फरारी ले लोगे, मतलब आप 2 महीने के अंदर आपको वो इतना ज़्यादा पैसा कमा के दे देंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप लोग इन एप्लीकेशनों से दूर रहें, इसके एडवर्टाइजमेंट देखें, तो उसके अंदर आप ट्राई करने भी नहीं जाएं कि हम इसके अंदर कोई बात नहीं ट्राई कर लेते हैं, कि एक बार हम तुक्का लगा के देख लेते हैं कि क्या पता हमारा, हमने थोड़ा बहुत पैसा डाला और हम जल्दी से पैसे वाले बन जाएंगे, जल्दी से पैसा कमा लेंगे। तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी पैसा ना डालें। आप डेमो से खेलते हो, जीत जाते हो, फिर आप सोचते हो कि नहीं यार हम रियल कैश लगा ही देते हैं इसके अंदर, 1000 रुपये लगा के देख लेते हैं, क्या पता हमारे कल 10 हज़ार हो जाएंगे, क्या पता कल हमारे 15 हज़ार हो जाएंगे और हम अच्छे पैसे वाले हो जाएंगे, हम अच्छा नया मोबाइल ले लेंगे, नई गाड़ी ले लेंगे। लेकिन ऐसे के अंदर कुछ नहीं होगा, आपका जो पैसा है, आपने 1000 रुपये भी लगाए तो वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, एक आर्टिकल और मैंने पढ़ा था, उसके अंदर ये था कि उन्होंने जितना पैसा डाला था, जैसे उन्होंने 10 हज़ार डाला, उन्होंने नहीं खेला, लेकिन वो 10 हज़ार ही जब वापस निकालने गए तो उनके वो 10 हज़ार भी निकालने दिए उनको, उनको सिर्फ उसमें से बोलते हैं कि आप 5 हज़ार रुपये निकाल दो, 3 हज़ार रुपये निकाल दो, बाकी आपको खेलना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि वो किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं, कि आपका पैसा वो डिपॉजिट कर लेंगे उसके अंदर, उसके बाद आपको निकालने भी नहीं देंगे। ऐसे क्या होता है कि ये जितने एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये जितनी भी कंपनियां हैं टारगेट कर रही है इंडिया को। दोस्तों, ये कंपनियां इंडिया को टारगेट कर रही है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके रिव्यूज़ के बारे में, कि इसके प्ले स्टोर ऐप स्टोर के ऊपर अगर आप रिव्यू देखोगे तो आप वहाँ पे 1 स्टार रिव्यू देख सकते हो, बहुत सारे 1 स्टार रिव्यू आते हैं। अगर आप उनकी रेटिंग देखोगे, अगर आपको लगता है कि उसकी रेटिंग हाई है, मतलब 4.2 4.3 स्टार आपको रेटिंग वहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे पेड रिव्यू हो जाते हैं। जैसे उनके पास 100 1 स्टार रिव्यू आए तो पेड रिव्यू करवा लेते हैं 1000, इससे क्या होता है वापस रेटिंग बढ़ जाती है और उनकी वैल्यू नहीं गिरती है। और जो नया उसके ऊपर जाता है, उनको लगता है कि नहीं जेन्युइन एप्लीकेशन है, जेन्युइन चीज़ें कर रहे हैं ये, रियल में आपको मनी देंगे, रियल में आपको अर्निंग देंगे ऑनलाइन इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, इसमें पूरी तरीके से फ्रॉड होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग फेसबुक चलाते हो, फेसबुक के ऊपर अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो वहाँ पर आप कमेंट पढ़ना,
आप जितने भी कमेंट पढ़ोगे उसमें अधिकतर आपको यही मिलेगा कि वो सब लोग उनको नेगेटिव ही बता रहे हैं, और जितनी भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स है कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, उनके साथ उनका पैसा लूट लिया गया है, उन्होंने जो डिपॉजिट कराया उनको नहीं मिला है, या उन्होंने जो अर्न किया है वो भी उनको नहीं मिला है, उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट मिलेंगे आपको नेगेटिवली। दोस्तों मैं इन कंपनियों के बारे में क्यों बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं इनके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया है। ये जितनी भी कंपनियां हैं सिर्फ ये युवा करवा रही है, ये कहीं भी कोई आपकी स्किल के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इसके अंदर आपकी स्किल के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं हो रही है, जहाँ पे आप अपनी स्किल से पैसा कमा सकते हो। ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनियां हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, और भी बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां हैं जो कि ट्रेडिंग करवाती है, शेयर के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ये सब लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते हैं। आपने आज तक कभी इनके एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे होंगे कि कहीं आपको फेसबुक पे, गूगल पे या आप यूट्यूब चलाते हो वहाँ पे भी इस तरीके के कोई एडवर्टाइजमेंट आए होंगे, लेकिन ये जो दूसरी कंपनियां हैं जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, जो कि फ्रॉड कर रही है, जो कि बाहर की कंपनियां हैं जो सिर्फ अप डाउन ट्रेडिंग करवाती है, वो सब लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये सब फेक काम कर रहे हैं। अगर आप ये जितनी भी कंपनियों की एप्लीकेशन है इनके ऊपर अगर आप पैसे जीत भी जाते हो, मैं जीत भी जाओ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं सब जुआ करवाती है, ये आपको अर्निंग नहीं हो रही है, इससे आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है। अगर आप जीत भी जाओगे तो भी आप वहां से पैसा विड्रॉल नहीं करवा पाओगे, और अगर आप में से किसी ने करवाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आपको ये लगता है कि ये चीज सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ ये चीज़ बैन होनी चाहिए, गवर्नमेंट तक ये बात हम आगे तक पहुँचाएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि ये बातें आगे तक पहुँचे, लोग समझदार हो, लोग इसके बारे में समझ पाए कि इन एप्लीकेशन में हो क्या रहा है, किस तरीके से आप लोगों को लूटा जा रहा है, आप लोगों की मेहनत का पैसा किस तरीके से इन एप्लीकेशनों के अंदर आप दे रहे हो। दोस्तों जितनी भी इंडियन शेयर होल्डिंग कंपनियां हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जितनी भी कंपनियां हैं इनके सबके ऑफिस या इन सबके शेयर होल्डिंग ऑफिस जगह जगह मिल जाएंगे, जहां आप रहते हो उस लोकल एरिया में आपको मिल जाएगा ऑफिस उसका, लेकिन ये जो भी दूसरी कंपनियां हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं जो कि सिर्फ अप डाउन ट्रेडिंग करवाती है, इनके आपको ऑफिस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आपको इंडिया तक इसका ऑफिस नहीं मिलेगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, और ये कंपनियों के आईपी एड्रेस भी बैन हो, जिस तरीके से दूसरी चाइनीज कंपनियों के बैन हुए इस तरीके से इन सारी कंपनियों के भी आईपी एड्रेस बैन हो। इससे हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी नहीं, इससे और ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जितना भी पैसा आ रहा जा रहा है वो सब डॉलर के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर आपको गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों मैं कुछ यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इन कंपनियों का पेड प्रमोशन करते हैं वो पहले इन कंपनियों को जान ले, उनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करे, उसके बाद ही उन कंपनियों से डील करे पेड प्रमोशन की। हो सकता है कि आपके पेड प्रमोशन से आपके से जो जुड़े हुए लोग हैं, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, वो इस चीज़ को ज्वाइन कर ले और उनका नुकसान हो, तो इसीलिए मैं उन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करते आता हूँ कि वो एक बार जाने, एक बार उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करें और खुद एक बार उसके अंदर लाइव खेल के देखें कि क्या उससे अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद ही वो उस चीज़ का पेड प्रमोशन करे। दोस्तों बस जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद भी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसके अंदर जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का टाइम है, आप इसके अंदर वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बिल्कुल करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिले, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।